जोहार झारखंड रांची आप जारबर में आपका स्वागत है। प्रायः देखा जाता है कि जब कहीं भी दो समुदाय या धर्मावलंबियों के बीच संघर्ष होता है या सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो पुलिस द्वारा सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों पर 107 का धारा लगा दिया जाता है। इसमें वैसे लोगों का भी नाम होता है जिनका उक्त घटना से दूर दूर तक संबंध नहीं होता या घटना स्थल पर वे नहीं रहते हैं। जब उन्हें 107 का नोटिस मिलता है वे घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? रांची ऑब्जर्वर से एक विशेष भेंट में पूर्व अपर महाधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय रांची शत्रुघ्न लाल वर्णवाल ने बतलाया कि यद्यपि 107 का प्रोविजन पेनल सेक्शन नहीं है लेकिन करेक्टर से संबंधित जरूर है। ऐसा अनुभव में आया है, आपका प्रश्न उचित है, ऐसा देखने में बहुत बार आया है। विशेष करके जब दो दल, दो गुट, दो धर्मावलंबी किसी भी कारण से एक दूसरे पर FIR लॉज करते हैं या सूचना देते हैं, कभी कभी पुलिस अपनी सूचना पर भी एटेंडम बिना कोई विशेष सूचना के वैसे लोगों के विरुद्ध भी आरोप पत्र या कहिए उसकी सूचना को देते हैं जो व्यक्ति वहाँ नहीं होता है, वास्तव में वहाँ नहीं होता है किंतु किसी के कहने पर या पुलिस अपने मन से जानते हुए कि प्रभावी आदमी है उसके नाम पर मुकदमा कर देते हैं और न्यायालय SDO का कोर्ट उस सूचना के आधार पर नोटिस इशू कर देता है, उसके विरुद्ध में 107 की कार्रवाई प्रारंभ कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि एक मर्तबा देखा गया है कि एक मर्तबा अगर इस तरह के दंगों में, इस तरह की मुकदमों में एक बार नाम आ जाता है तो फिर बार बार उसका नाम आता चला जाता है। मेरे अनुसार उसके लिए दो उपाय करना उचित है। एक तो शपथ पत्र के द्वारा अपने आवेदन देते हुए SDM हो या उसके नीचे जिसको सेकेंड अफसर कहते हैं वो हो या जिसकी यहाँ भी 107 की कार्रवाई हो रही हो उस कोर्ट में दरखास्त देना चाहिए कि उस दिन ऐसा है, पहले इसकी इंक्वायरी कर ली जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। साथ ही ऊपर के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर के अधिकारी जैसे इंस्पेक्टर हैं, DSP हैं, SP हैं, अगर वो लोग ही नहीं सुनता है तो DIG को खबर करनी चाहिए उसी शपथ पत्र का कॉपी देते हुए कि साहब उस दिन हम फलाने दिन थे, ये जबरदस्ती मेरा नाम उसमें दे दिया है, मेरा नाम इससे काटा जाए और हमारी ओर से कोई खतरा नहीं है। जब तक सामाजिक खतरा नहीं होता है, जब तक व्यक्ति के किस तरह से खतरा भी उस व्यक्ति से खतरा नहीं है उसके विरुद्ध में 107 नहीं चलाया जा सकता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शांत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है, जनरली यही देखा गया है। वैसी परिस्थिति में यही दो प्रोसीड्यूर है या फिर ऊपर जाकर के हाईकोर्ट में रिट फाइल हो सकता है लेकिन खर्चीला होता है, साधारण व्यक्ति बिना कोई कारण काहे खर्च करेगा। ऐसी परिस्थिति में पहले वो काम कर लेना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में DIG को देना चाहिए, SP को देना चाहिए और दूसरा है कि जिस कोर्ट में मुकदमा है 107 का मुकदमा है उस कोर्ट को देना चाहिए, ये कहते हुए कि पहले इसकी इंक्वायरी कर ली जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। मैं समझता हूँ कि कोई भी कोर्ट जो इतना सक्षमता के साथ, इतने तथ्यों के साथ आवेदन देगा उसकी सुनवाई होगी और उससे बचने का एक साधारण आसान तरीका यही है। धन्यवाद।